हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में मैं आज आपके लिए पिंक लिपस्टिक्स का कलेक्शंस लेकर आई हूँ और इसमें न्यूड लिपस्टिक्स भी हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें मैं टॉप 5 तो नहीं बोलूँगी, टॉप 7 हम बोल सकते हैं, जिसमें आपको पिंक और न्यूड का मिक्स कलेक्शन देखने को मिलेगा, प्लस वो मेरी फेवरेट्स हैं सारे ही। तो चलिए वीडियो को हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। जितनी भी लिपस्टिक्स मैंने बाय की हैं गाइज, सभी मैंने डिस्काउंट पर बाय की हैं और वो मैंने अमेजन से बाय की हैं। तो इन सभी लिपस्टिक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और माई स्टोर का लिंक भी वहां पर होगा, चाहे तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो सभी पिक्चर्स, सभी लिपस्टिक्स की जो पिक्चर्स प्राइसेस हैं, वहां पर आपको एक सिंगल लिंक पर क्लिक करने पर मिल जाएंगी, दिख जाएंगी, तो वहां से भी आप डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए अपना लिपस्टिक्स का कलेक्शन दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपने फेवरेट से लिपस्टिक से स्टार्ट करती हूँ, जो कि है न्यूड और वो मैंने वेयर किया हुआ है। यस, ये है शुगर का रोज डॉसन शेड और ये लिप क्रेयॉन है गाइस। ये बहुत ही ऑसम शेड है। ये वैसे तो ये न्यूड कलर में आता है, बट अगर आप इसको लगाते हैं ना, तो थोड़ा पीची कोरल टाइप का लगता है। और वैसे भी आपने मेरे ना बहुत सारी वीडियोज में लगाए हुए देखा होगा। सी, ये है वो शेड और वैसे आप देख ही रहे हैं लिप्स पर गाइज। इसके बारे में आपने मुझसे बहुत बार पूछा है, मोस्टली मेरे वीडियोस में ना यही वाला शेड होता है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसका जो प्राइस अराउंड, वैसे जो एक्चुअल प्राइस है 799 है, बट ये मिनी उसमें भी आने लगी है, तो उसका प्राइस, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गाइज, ये उनमें से शेड है, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना, थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि किस ड्रेस के साथ कौन सा शेड जाना चाहिए। वैसे तो खैर ऑलमोस्ट मिक्स एंड मैच करके मैं लगा लेती हूँ, बट ये वो शेड है कि जब मुझे कोई भी समझ में नहीं आता तो मैं डेफिनेटली इसको वेयर करती हूँ। और वैसे भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, अगर ये ना हो ना तो मुझे लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। तो डेफिनेटली अब मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगी, इसको आप अपने कलेक्शन में, लिपस्टिक्स कलेक्शन में जरूर ऐड करिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले हम न्यूड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो है लैक्मे 9 to 5 का रोजी संडे। यस गाइस, पहले मैं ये वाला शेड यूज़ करती थी, मतलब जैसे अभी इसको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पे यूज़ करती हूँ ना, बट उससे पहले मैं ये वाला यूज़ करती थी कि जब मुझे कुछ नहीं मिलता था तो मैं सिर्फ रोजी संडे उठाया एंड सबके साथ चला जाता था। बट अभी जब से ये मैंने ये वाला स्टार्ट किया है ना रोज डॉसन, वो ये वाला जो है वो सेकंड नंबर पर हो गया है। सी, ये थोड़ा सा सिमिलर है तो नहीं मैं बोलूंगी, बट ये थोड़ा सा पिंकी टोन में आ गया और ये थोड़ा ब्राउनी पिंक में आ गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी न्यूड कलर है, बहुत अच्छा शेड है गाइस। इसको भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, इस पर बहुत ही अच्छे शेड आते रहते हैं, डिस्काउंट्स आते रहते हैं और इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके और भी शेड्स हैं, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। आई थिंक मैंने इसका रेड भी आपके साथ शेयर किया है, वो आप प्लीज मेरे रेड वाले जो लिपस्टिक्स का कलेक्शंस है ना, उसमें जरूर जाकर चेक करिएगा गाइस। उसमें मैंने बहुत अच्छा अच्छा रेड लिपस्टिक्स का कलेक्शंस आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, ये बहुत ही अच्छा शेड है। पिक्चर मैं यहाँ साथ साथ लगाती रहूंगी, तो उसमें आप एक बार चेक जरूर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि न्यूड में ही आता है, वो है हमारा मेबलिन का। इसका नेम है टच ऑफ स्पाइस। यस गाइज, ये भी बहुत ही प्यारा न्यूड में आता है। ये एक्चुअली कॉफी लाइट ब्राउनिश पिंक पे है, सेम ऐसा ही, सेम तो नहीं मैं बोलूंगी, बट यस सिमिलर सा ही है, बट ये थोड़ा और पिंकी उसमें आ जाता है। मैं ठीक दिखा रही हूँ ना? एक्चुअली मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ये थोड़ा पिंकी उसमें है, ये थोड़ा ब्राउनी पिंक में है, ये प्रॉपर कोरल पीच होता है ना उसमें है। ये भी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स पर आती है, तो गाइज इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। पिक्चर में हाँ साथ साथ लगाती जा रही हूँ, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं पिंक आपका कलेक्शन आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मेबलिन का ही दिखा देती हूँ गाइज। ये मेबलिन का ही है, सेम जो मैंने अभी टच ऑफ स्पाइस आपको दिखाया था। ये है आपका फ्लेमिंग, सॉरी 630 फ्लेमिंग फ्यूशिया गाइस। बहुत 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 अच्छा शेड है पिंक। अगर आप अच्छा सा कुछ ढूंढ रहे हो ना, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। बहुत ही प्यारा वाला, ये हॉट पिंक होता है ना, ये वो वाला शेड है। आई होप मैं आपको क्लियरली ठीक से मतलब स्वाच दे रही हूँ गाइस। ये बहुत 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 स्वीट वाला पिंक है,
जो रोज के पेटल्स होते हैं ना, एकदम पिंक वाला, क्यूट वाला जो रोज होता है, ये वो वाला शेड है गाइस। बहुत अच्छा है और बहुत अफोर्डेबल है, और इसकी फ्रेग्रेंस भी ना ऐसा लगता है जैसे कैंडी चॉकलेट होता है ना, उसकी फ्रेग्रेंस लगती है, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा इसे अप्लाई करने से पहले मैं आपको बोलूंगी कि आप लिप बाम जरूर अप्लाई करिएगा, बिकॉज हल्का सा ये मैट फिनिश में है। वैसे तो अब तक जितनी भी मैंने आपको दिखाई है वो सारा ही मैट कुछ का नहीं, है। और नेक्स्ट वैसे लिपस्टिक। लिपस्टिक हम देख लेते हैं, पिंक लिपस्टिक जो है, वैसे तो ज्यादा कलेक्शन नहीं है गाइज। ये है हमारा अगेन लैक्मे का 925। इसका जो शेड है वो है पिंक पोस्ट गाइज। ये भी बहुत अच्छा शेड है, ये आप देख सकते हैं कितना मैं फिनिश कर चुकी हूँ, ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ये आपका थोड़ा पिंक उसमें था, लाइट उसमें क्या बोलते हैं, फ्लर्टी पिंक काइंड ऑफ। ये आपका थोड़ा ना मजेंटा उसमें आ जाता है। सी दोनों में आप डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। सी ये आपको थोड़ा ना मजेंटा शेड में आ जाता है, तो दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छे लगते हैं गाइज। साथ साथ में यहाँ पिक्चर लगाती रहूंगी तो वो आप चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो है हमारा कलर बार का, मेरा फेवरेट, बहुत ज्यादा फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है ये वाला शेड। इसका जो नंबर है 84, और ये है फ्यूशिया फिक्स गाइज। ये भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक है, ये एक टाइम में ना मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट, अभी भी है ऐसा नहीं है, कलर बार का बहुत ज्यादा फेवरेट हुआ करती थी। मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, ये आपको ना थोड़ा डार्क उसमें आ जाता है सी, और वन स्वाइप में आप देख रहे हैं कितना अच्छा, ये थोड़ा सा ना ग्लॉसी उसमें, बस एक यही है जो बहुत हल्का सा ग्लॉसी उसमें है, बाकी सारे जितने भी हैं वो मैंने आपको मैट उसमें दिखाए हैं। ये वाला कितना प्यारा लग रहा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाला जो है इसमें आपको लिप बाम अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, और अगर आपको इसको मैट करना है ना तो इसको अप्लाई करने के बाद ना टिश्यू पेपर से डैब डैब कर लेना, तो आपका ये बिल्कुल मैट फिनिश देगा। तो गाइज पिंक में एक और शेड है जो कि मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है, ये है अगेन शुगर का क्रियॉन। और गाइज बिलीव मी, शुगर का और फेसेस के क्रियॉन यूज करके देखो, आपको ना बिल्कुल प्यार हो जाएगा इनके क्रियॉन से ना, इतना अच्छा पिगमेंटेशन है इनका और बहुत ही अच्छा कलर पे ऑफ है। तो ये आप देख सकते हैं, ओ सॉरी इस तरीके से है इसका जो शेड है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसका नेम जो है वो मैरी पॉपिंस है। यस ये आप देख सकते हैं गाइस का स्वाच वन टाइम में, वाओ। ये भी ना जो डीप मजेंटा होता है ना, इसमें एक्चुअली ना थोड़ा सा मजेंटा पर्पल मिक्स है, तो आप ये देख सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है। ये वाला और ये वाला थोड़ा सा सिमिलर है, बट अगर आप क्लियर थोड़ा पास से देखेंगे ना, सी मैं इसके साथ आपको दिखाती हूँ, दोनों में डिफरेंस शायद आप कर पा रहे हो गाइस, बट बिलीव मी दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। अगर आपको थोड़ा सा अगर लगे ना, हाँ डिफरेंस है देखो इसमें, हल्का सा ना पर्पल कलर मिक्स है। यस पर्पल पिंक मजेंटा का मिक्स है, ये प्रॉपर मजेंटा है और ये पिंक है। तो मैंने तीनों ही तरीके के शेड्स आपको दिखा दिए, पिंक और न्यूड भी मेरे पास और भी हैं गाइस, बट ये मैं आपको ना बिल्कुल चुनिंदा वाले शेड्स लेकर आई हूँ, बिल्कुल चुनकर जो मेरे मेरे जो फेवरेट हैं और जिनको मैं लगाती हूँ, ये वही सारे शेड्स हैं। बाकी तो दिखाने मैंने इसलिए नहीं दिखाए बिकॉज दिखाने को बहुत सारे हो जाएंगे गाइस, बट जो अच्छे हैं जिनको मैं लगाती हूँ अब, वो एक्चुअली बहुत पुराने भी हैं, जैसे लाइक कलर बार का हो गया या और भी एक दो कंपनी के और हैं, वो मैं आपके साथ और आगे आने वाली वीडियोस में शेयर कर दूंगी। बट गाइस ये जितने भी कलेक्शन जो मैंने आज का दिखाया ना, ये मेरी करंट फेवरेट है और इन्हीं को मैं लगाती हूँ, उन्हें मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, उन्हें मैं नहीं यूज़ करती हूँ बिकॉज उनका इतना कलर पे ऑफ पिगमेंटेशन अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही था बस आज का मेरा कलेक्शन गाइस, आई होप आपको ये आज का मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, आई होप अच्छा लगेगा बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए, मेकअप का, ब्यूटी हॉल का, लिपस्टिक्स का, और भी जितना मैं अपना मेकअप शेयर करती हूँ आपके साथ जो मैं यूज़ करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेगा। चलिए जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।